अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ दावत का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। जिन फैमिली फ्रेंड्स को हम लोगों ने बुलाया हुआ था उनमें ज़्यादातर बच्चे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी और मिर्च मसाले वाले खाने नहीं बनाए। सो अभी जो है ना रात का टाइम है और मैं यहाँ पे चिकन टिक्का मैरिनेट कर रही हूँ। चिकन मैंने लिया है, उसमें मैंने दही ऐड किया है और चिकन मसाला ऐड किया। अदरक लहसुन का यहाँ पे पेस्ट ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, और उसके अलावा फूड कलर ऐड किया मैंने, और बस अच्छे से मिक्स कर दूंगी और उसके बाद जो है इसको रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में, ताकि कल तक अच्छे से मैरिनेशन हो जाए, क्योंकि कल लंच टाइम पे हमने उनको बुलाया हुआ है। हलीम मैंने रात को ही बना के रख दी थी क्योंकि इस पर अच्छा खासा टाइम लगता है। शाही हलीम मैं बना रही हूँ शान के पैकेट से। गंदम और दालों वाला जो पैकेट था ना, उसको मैंने अच्छे से धो के प्रेशर कुकर में डाल दिया है, ताकि बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे और जल्दी से दालें और सब कुछ जो है वो अच्छे से गल जाए। हलीम के लिए जो मसाला बनेगा वो मैं यहाँ पे रेडी करके रख रही हूँ। मैंने ऑयल लिया तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, उसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज बारीक काट के डाले हैं। प्याज जब हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूँगी बीफ। इस दफ़ा मैं हलीम बीफ से बना रही हूँ। बीफ को मैंने पहले से ही बॉईल करके शेड करके रखा हुआ था। जो शान के बॉक्स के ऊपर जो रेसिपी लिखी होती है ना, वो रेसिपी और ये रेसिपी दोनों बहुत डिफरेंट है। जो बीफ है डालने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी मैं, ताकि जो गोश्त का कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए और स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद लाइक 1-2 मिनट मैंने भुनाई की इसकी हल्की सी, और उसके बाद मैंने इसमें जो शान का मसाला वाला पैकेट है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और उसके बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट इसकी मैंने भुनाई की। ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रेन्स। ग्रेन्स को थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने ओवर कुक किया था, ताकि थोड़ी सी मैशी फॉर्म में हो। इन दोनों को भी बहुत अच्छे से मैंने मिक्स किया। उसके बाद मैंने ऐड कर दी थी यखनी। यखनी डालने के बाद मैंने फ्लेम बिल्कुल हाई कर दी थी और हाई फ्लेम पे इसको पकने दिया था। जब यखनी में बबल्स आ गए थे उसके बाद मैंने फ्लेम मीडियम से लो कर दी थी, और मीडियम से लो फ्लेम पर काफ़ी देर, लाइक 1 से 1.5 घंटा इसको मैंने पकते दिया था। यखनी जब थोड़ी सी ड्राई हो गई थी तो मैंने पोटैटो मैशर से अच्छी से इनको चीज़ों को सबको मैश कर दिया था। पोटैटो मैशर की जगह आप हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। और बस इस तरह जो है ना बहुत अच्छी सी रेशेदार हलीम रेडी होती है। ये थी फाइनल लुक हलीम की। यहाँ पर मैं शोरबे वाला मटन बना रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है कम मसालों के साथ। इसकी बस ट्रिक ये है कि इसकी भुनाई जो है वो बहुत अच्छी तरह से करनी है। 4 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और इनको हल्का सा लाइट ब्राउन कर दिया था। फिर इसमें मैंने 2 kg मटन ऐड किया था। मटन डालने के बाद इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से भुनाई करनी है। खुला सा बर्तन ले लें ताकि भुनाई करने में बहुत आसानी हो आपको। मटन का जब पानी जो है, मटन जब पानी छोड़ने स्टार्ट कर दिया था मटन ने, तब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। मटन यहाँ पे जो मटन का पानी ना बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है, काफ़ी देर इसकी भुनाई की गई है। उसके बाद जब पानी ड्राई हो गया था तब इसमें मैंने खड़े मसालों का जो पेस्ट है और ग्रीन चिली का पेस्ट, ये मैंने ऐड किया था। खड़े मसाले जो हैं उसमें मैंने लिए थे 3 से 4, मैंने लौंग ली थी, 5 से 6 गोल काली मिर्च ली थी, 1 टेबल स्पून सौंफ के लिए थे, 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा लिया था, और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा भी लिया था। इनको अच्छे से मैंने कूट लिया था, वो मैंने इसमें ऐड किया। इससे बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है। इसके बाद 4 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, वो मैंने इसमें डाले हैं। टमाटर का मैंने छिलका हटा दिया था। टमाटर डालने के बाद ना मैंने फ्लेम मीडियम से हाई कर दी थी और हाई फ्लेम पे इसको बनाऊंगी। अगर आपको लगे कि थोड़ा थोड़ा जो मसाला है वो साइड से लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो गया, मतलब कि भुनाई भी अच्छे से हो गई है, टमाटर भी गल गए हैं। तब मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून कढ़ाही मसाला इसमें ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून मैंने टमाटो पेस्ट ऐड किया। टमाटो पेस्ट ऐड करने से ना बहुत अच्छा फ्लेवर तो आता है खाने में, लेकिन जो कलर होता है ना खाने का वो भी बहुत अच्छा सा चेंज हो जाता है।
और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके टेंडर करके इसको भुने हुए गोश्त की तरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि मुझे शोरबे वाला मटन चाहिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे विदाउट प्रेशर कुकर ही इसे बनाऊँगी, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मटन को मैंने पकने के लिए रख दिया और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोल्ड मैक्रोनी सैलेड। पूरा पैकेट लिया मैंने मैक्रोनी का और उसके अलावा 4 से 5 बॉयल पोटैटोज़ इसमें ऐड किए हैं। पोटैटोज़ जो है ना छोटे छोटे क्यूब्स में काटने हैं। ऑलिव्स लिए हैं, ऑलिव्स को भी दरमियान से काट के मैंने इसमें ऐड किया है। बंद गोभी को भी बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, बंद गोभी बहुत मज़े की लगती है सैलेड में। उसके अलावा स्वीट कॉर्न्स और गाजर, इनको भी मैंने ऐड किया बॉईल करके। गाजर को छोटे क्यूब्स में काटना है, बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स में। और उसके अलावा मायोनीज़ ऐड करी हूँ, मायोनीज़ की ना पूरी बॉटल मैंने इसमें डाली थी। उसके बाद चीनी ऐड की है मैंने 4 से 5 टेबल स्पून, या वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो मज़ीद इसमें चीनी डाल सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड किया और उसके अलावा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद मैं इसको क्लिंग रैप लगा के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये जो सैलेड है ना बिल्कुल ठंडी सर्व की जाती है और उसी तरह मज़े की लगती है। यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ चिकन बट कढ़ाई के स्टाइल में, क्योंकि इसमें बहुत से माइल्ड से मसाले होते हैं। सबसे पहले तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको बारीक काटा और उसमें मैंने वो जब हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए थे तब उसमें मैंने 2 kg चिकन ऐड कर दिया था। यहाँ पर चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया, तब इसमें 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन, इसका मैंने पेस्ट ऐड किया और बहुत अच्छे से मिक्स किया है। इस चिकन में ना पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, ये जो चिकन है अपने ही पानी में पकेगा। और फ्लेम भी बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखनी, बस मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है। उसके बाद जो है ना मैंने इसको ढक के अच्छी तरह से पकाया था और पानी बहुत छोड़ दिया था चिकन ने, ऑलमोस्ट 40% तक चिकन भी यहाँ पर गल गया था। तब इसमें मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर वो काट के डाले थे, टमाटर का छिलका मैंने हटा दिया था। और साथ ही इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट या वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो आप लोग, और 1 टीस्पून सूखा धनिया। बस यही मसाले इसमें डालेंगे। उसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया मैंने और दोबारा से मैंने इसको ढक के इसको बिल्कुल सॉफ्ट होने तक, चिकन अच्छे से टेंडर होने तक इसको मैं पकाया था मैंने। और जब चिकन जो है ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया था तब मैंने इसमें बटर ऐड किया था। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना क्योंकि एंड पे इसमें हम बटर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने बटर ऐड किया था, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इससे। और साथ ही मैंने जो ग्रीन चिलीज़ है उसको भी काट के मैंने इसमें डाल दिया था। और बस चिकन कढ़ाई रेडी है। सर्व करने से पहले थोड़ी सी अदरक और हरा धनिया वगैरह डाल के इसको मैंने सर्व किया था। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोफ्ते। एक्चुअली जब मैं खाने बनाई थी ना तो दो दो तीन दिन सारे खाने साथ ही बनाई थी और क्लिप्स भी सब के आपस में जुड़े हुए थे, तो बस मैंने जो एडिट करते हुए मैंने इस तरह से किया कि हर रेसिपी सेपरेट ही की है, सबको मैच नहीं किया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, तो शायद ये वाले क्लिप्स डिलीट हो गए। सिंपल मैंने जैसे मसाला बनाता है वैसे मसाला बना के कोफ्ते डाल दिए थे और थोड़े से इसमें एग भी डाले थे बॉयल करके ताकि अच्छे लगे, कोफ्तों में अंडे अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे खाना सारा रेडी हो गया था, अब मैं यहाँ पे सेटिंग कर रही थी। मोस्टली जो मैंने चीज़ें थी ना वो मैंने डिस्पोजेबल ही रखी थी, सिर्फ जो सर्विंग डिशेस थी वो मैंने जो घर में हम यूज़ करते हैं वो मैंने यूज़ की थी, बाकी सारी डिस्पोजेबल थे यहाँ पे बर्तन, ताकि बाद में जो है ना बर्तन धोना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सोचा कि डिस्पोजेबल ही रखते हैं और यहाँ पर लोग इतना माइंड भी नहीं करते। और यहाँ पर जो है सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, मैंने चेंज कर लिया यहाँ पर आके। मैं अभी जो सैलेड है ना वो कट करी थी, अभी तक वो लोग नहीं आए थे। मैंने कहा गरम गरम ही खाएंगे बस, ज्यादा मजा आता है। Gracias.
बस गेस्ट लोग आ गए थे, जब ये लोग आए हैं तभी मैंने राइस पकने के लिए रख दिए थे। वाइट राइस बनाए थे और वाइट राइस में तो आपको पता है इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और अगर मैंने पुलाव भी बनाना हो ना, वेजिटेबल पुलाव या चिकन पुलाव, तब भी मैं मसाला बना के उसमें पानी डाल के रख देती हूँ और जैसे गेस्ट आते हैं तभी मैं उसमें चावल डाल के उनको दम पे रखती हूँ, क्योंकि जो चावल होते हैं ना वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जो दम से निकले हुए जो चावल होते हैं ना वही मज़े के लगते हैं, वही देने चाहिए गेस्ट को। सो, हमेशा से मैं इसी तरह करती हूँ और जो चिकन टिक्का है उसका भी इसी तरह से करती हूँ। अगर मैंने रोस्ट वगैरह भी बनाना हो ना तो जब गेस्ट आते हैं तभी मैं उसको पकाना स्टार्ट करती हूँ, फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। सो, बस खाना जो है वो बस अभी सर्व कर दिया है। माशाल्लाह बच्चे भी काफ़ी सारे थे तो बच्चों के लिए हमने ज़ीनिया के रूम में अरेंज कर दिया था, वहाँ पे दस्तरखान बिछा दिया था और बच्चे जो हैं यहाँ से ले रहे हैं और साथ साथ जो हैं रूम में जाके वहाँ पे बैठ के सब खा रहे थे। ज़ीनिया इलियाना जो है ना वो भी वहाँ पे ही थी। इलियाना ने तो खूब इंजॉय किया बच्चों के साथ, बहुत सोचती थी सारे लोगों को देख के। और बस खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था, उसके बाद बच्चे जो है ना, आपको पता है हमारे घर के बिल्कुल साथ ही पार्क है, सारे बच्चे मिलके पार्क चले गए थे। वहाँ पे काफ़ी देर ये लोग खेलते रहे और हम लोग भी बस यहाँ पे गपशप लगा रहे हैं। इनमें से जो तीन फैमिलीज़ हैं ना वो यहाँ पे विंटर वेकेशंस के लिए आई हुई हैं और बहुत अच्छी दोस्ती है इनसे मेरी, तो हमें पता था कि थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद इन्होंने दोबारा से पाकिस्तान चले जाना है। तो हम लोगों ने ना बहुत सारी गपशप लगाई, हम लोग भी पार्क चले गए थे, वहाँ पर हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे। और बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर न्यू हो तो चैनल पे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।